हाय दोस्तों, जब मैं छोटा था तो टीवी पे एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देख रहा था, शायद 50s 60s की रही होगी। तो उसमें हीरोइन जो है वो एक पेड़ का तना पकड़ के झूलते झूलते, हीरो जो उसके सामने खड़ा हुआ है उससे बोलती है कि तुम शहर कलकत्ता जाओगे, मेरे लिए क्या लाओगे। अब हीरो जो भी जवाब देता है मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे लगा कि यार इतना हिल हिल के क्यों बोल रही है, सीधे भी तो पूछ सकती थी कि तुम कलकत्ता शहर जाओगे, मेरे लिए क्या लाओगे। तो एक ज़माना था जब ऐसी एक्टिंग होती थी, फिर एक ज़माना आया जब हीरो बोलता था, लाला मेरे माँ के कंगन वापस दे दे, नहीं तो तू बचेगा नहीं। फिर एक ज़माना आज का है जिसमें बहुत सेटल एक्टिंग होती है और बहुत ही नेचुरली बात की जाती है, एक एक इमोशन को समझा जाता है। तो क्या पहले जो एक्टिंग हुआ करती थी, या बीच में जो एक्टिंग हुआ करती थी, या आज की जो एक्टिंग होती है, उसमें से कोई गलत है या कौन सी सही है? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आगे।